जय श्री राम जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, कभी भूलकर भी कछुए की अंगूठी ये चार राशि वाले लोग कभी न पहने। हो सकता है गलत असर कहीं धन के चक्कर में आप सब कुछ गंवा न बैठे। दोस्तों, इंसान धन संपत्ति और खुशहाली के लिए हर संभव उपाय करता है, और जहां तक मुझे लगता है कि आप लोग भी हमारे इस वीडियो को इसीलिए देख रहे हैं ताकि आपको धन संपत्ति के साथ साथ ही घर में शांति और क्लेश से दूरी बने रहे और आप निरंतर तरक्की करें। मेरे साथियों, हर कोई व्यक्ति अपने घर में उपाय जरूर करता है ताकि उनके घर परिवार को किसी की नजर न लगे और दिन दुगनी रात चौगुनी परिवार का हर एक सदस्य तरक्की ही करें। तो उसी चीज के बारे में बताने जा रही हूँ। दोस्तों, हर एक व्यक्ति को कई सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, और आपकी ही कुछ छोटी सी गलतियों की वजह से आपको बता दें कि ज्योतिष उपाय अच्छा फल देने की बजाय दुर्भाग्य का कारण भी बन सकते हैं। इसलिए जो भी ज्योतिष उपाय करें, सोच समझ कर ही करें और पहले इस उपाय की बारीकियों को अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि अगर आप किसी भी पंडित के पास या ज्योतिष के पास जाते हैं तो वो आपको अंगूठी तो दे देगा, लेकिन अगर आपको उसकी बारीकी से नॉलेज नहीं है तो आप उसे धारण तो कर लेंगे, लेकिन उससे आपके परिवार या फिर आपकी खुद की तरक्की नहीं होगी, बल्कि आप में जीवन में और भी ज्यादा बुरी परिस्थितियों का आपको सामना करना पड़ सकता है। आजकल आपने कई लोगों को ऐसे देखा होगा जिनके हाथों में कछुए की अंगूठी तो होती है, लेकिन उसके फायदे के बारे में उन्हें कुछ भी पता ही नहीं होता है। बस उनका यही मकसद होता है कि हाथों में कछुए की अंगूठी पहनना मतलब धन को अपनी ओर आकर्षित करना, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। आपको बता दें कि कुछ राशियां ऐसी होती हैं जिनको भूल से भी कछुए की अंगूठी नहीं पहननी चाहिए। तो आइए जानते हैं कि कौन सी हैं वो राशियां। लेकिन उससे पहले, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और इसी प्रकार से हर सटीक जानकारी आपको अगर सबसे पहले चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो सबसे पहली जो राशि है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के देवता मंगल है, और ऐसे में आपको कछुए की अंगूठी कभी नहीं पहननी चाहिए। अगर आपने ऐसा किया तो आपके ऊपर मंगल दोष लग सकता है। ऐसे में आपका काम धंधा सब कुछ चौपट हो जाता है, इसलिए ऐसा करने से आपको बचना है। दूसरी राशि मीन राशि है। दोस्तों, मीन राशि के स्वामी बृहस्पति ग्रह होते हैं, और आपको बता दें कि बृहस्पति की शांति के लिए जातकों को सोना, कांसा, धातु, पुखराज, चने की दाल, शक्कर, पीले फूल, सुपारी, दक्षिणा आदि चीजों का दान करना चाहिए, और खास तौर से कछुए की जो अंगूठी है उसे तो बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए। अब अगली चीज बताऊंगी, वरना आप अनर्थ कर बैठेंगे। मेरे साथियों, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। तो तीसरी जो राशि है जिन्हें कछुए की अंगूठी बिल्कुल भी नहीं पहननी चाहिए है, वो है मेष राशि। मेरे दोस्तों, मेष राशि के स्वामी मंगल ग्रह को माना गया है। ऐसे में जो लोग भी अगर कछुए की अंगूठी पहनते हैं तो मंगल की जगह अमंगल हो सकता है, इसलिए ऐसा करने से ही आपको बचना है। अब चौथी राशि बताने जा रही हूँ, जो है कन्या राशि। बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस राशि के ऊपर ज्यादा संकट मंडराते हैं। इसे ग्रह का सौमित्र बुध ग्रह को माना जाता है। बुध ग्रह के अधीन है, इसलिए कोई भी काम ऐसा ना करें जो आपके ऊपर दोष लगाएं। अब मैं बताती हूँ कि ऐसा करने से आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो इन राशियों के लोगों द्वारा कछुए की अंगूठी अगर पहनी जाती है तो इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है, और इनके व्यापार में कामकाज में बहुत भारी तरीके से नुकसान होता है। व्यापार मंदा चलने लग जाएगा। नौकरी अगर लगी हुई है तो नौकरी में भी कुछ न कुछ बड़ी दिक्कत या फिर आपको अपमान का सामना करना पड़ सकता है। आपका प्रमोशन रुक सकता है। परिवार में क्लेश का वातावरण बन सकता है, इसलिए धन दौलत में भी हमेशा कमी ही आती है। तो ऐसी राशियों को, जो मैंने आपको चार राशियां बताई हैं, उनको बिल्कुल कछुए की अंगूठी धारण नहीं करनी है। बाकी की जो राशियां हैं वो आराम से आप कछुए की अंगूठी को धारण कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप सभी को संतुष्टि तो जरूर मिली होगी। तो वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपकी कौन सी राशि है कमेंट्स में हमें बता दीजिए, जिससे हम आपके लिए कुछ अच्छा उपाय बता सके। हमारे इस चैनल की फैमिली बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।